नमस्कार, मैं सुनील कुमार, मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स। और पिछले क्लास में हमने मॉडल रिलेशनशिप की बात की थी और हमने कहा था कि हम अब इस क्लास में पर संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने हम, ठीक है। तो हम लोग पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। अभी न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पहले थ्योरी कर लेते थोड़ा सा जो हमने पढ़ रखा है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रिएक्शन टर्बाइंस में केसिंग के बाद, जैसे मान लीजिए पानी केसिंग में आया, केसिंग के बाद कहाँ जाएगा, स्टे वेन में। स्टे वेन या स्टेरिंग, एक वेद वेन है और पूरी रिंग को बोलेंगे स्टेरिंग। उसके बाद कहाँ जाएगा, विकेट गेट या गाइड वेन। गाइड वेन कैसी थी, एडजस्टेबल थी। और इसकी पूरी रिंग को मैंने क्या नाम दिया था, गाइड रिंग या गाइड व्हील, वही पूछा था। और मैंने बताया था गाइड रिंग या गाइड व्हील में जो वेन्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। उनका पर्पस क्या होगा, डिस्चार्ज को कंट्रोल करना। और इनलेट एंगल, पानी जब रनर पर प्रवेश करेगा, प्रवेश मतलब एंट्री करेगा, इनलेट होगा उसका, वहाँ पे कितने एंगल पर टकराएगा। भाई देखो, द मूवेबल विकेट गेट, मूवेबल का मतलब एडजस्टेबल, मूवेबल का मतलब एडजस्टेबल। तो विकेट गेट है, विकेट गेट का मतलब यहाँ पे, विकेट गेट का मतलब यहाँ तो विकेट गेट लिखा हुआ है। विकेट गेट्स का मतलब होता है गाइड वेन्स, सेवन नहीं, गाइड वेन्स, गाइड वेन्स। मूवेबल विकेट गेट्स हैं या गाइड वेन्स हैं रिएक्शन टर्बाइन में, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, पहला ऑप्शन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल करने के लिए, इसका कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ वाटर को इस्तेमाल। और कौन सा फ्लो, पानी के कौन सा फ्लो, पासिंग थ्रू द रनर, रनर में जो पानी प्रवेश कर रहा उसके फ्लो को, फ्लो को मतलब फ्लो रेट को, फ्लो को मतलब फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज। गवर्निंग करते हैं ना लोड के हिसाब से, कब डिस्चार्ज को इस प्रकार से कंट्रोल करो कि जो टर्बाइन है उसका स्पीड चेंज ना होने पाए, यही गवर्निंग थी। अब ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। अगर देखो, मैंने तो बताया कि आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए तो आगे बढ़ जाइए, मत बाकी मत चेक करिए। लेकिन चलो देख लेते हैं, कंट्रोल द प्रेशर अगला है, कंट्रोल द प्रेशर नहीं, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, ये डिस्चार्ज कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, मतलब फ्लो रेट को। तीसरा ऑप्शन, स्ट्रेंथन द केसिंग, केसिंग को मजबूत बनाने के, ऐसा भी कुछ नहीं है, केसिंग को मजबूत बनाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। रिड्यूस द साइज ऑफ द टर्बाइन, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने एक ऑप्शन देखा जो सबसे अप्रोप्रिएट, एक ऑप्शन जरूर ऐसा होगा जो आपको देखते ही लगेगा यही सही है, उसे टिक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पाँच के बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। 40 ये देखिए बोला क्या, सवाल देखिए, आ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का मतलब हाइड्रोलिक पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का मतलब हाइड्रोलिक पावर प्लांट से है। हैज द फॉलोइंग मेजर आइटम्स, मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े आइटम, मेजर आइटम्स की बात कर रहा है, इन द हाइड्रोलिक सर्किट। जो हाइड्रोलिक सर्किट, सर्किट का मतलब होता है फ्लो, देखो जो हमने बताया था ना, पानी कहाँ चलता है, हेड रेस मतलब रिजर्वायर से, फिर पेनस्टॉक, फिर सर्ज टैंक, फिर केसिंग, ठीक है, मैंने पूरा सर्किट बताया था, वही सर्किट है, वही पूछ रहा है किस क्रम में होगा, बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका, मुझे बताया था आपको सबसे पहले क्या होता है, हेड रेस या रिजर्वायर, बताइए यहाँ कहीं रिजर्वायर लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 में कहीं रिजर्वायर लिखा है, नहीं। उसके बाद वो किस में आता है, पेनस्टॉक, पानी किस में आता है, पेनस्टॉक, इसका मतलब 4 नंबर पे आया, रिजर्वायर है ही नहीं, माना रिजर्वायर को पहले रखते हैं। उसके बाद पानी पेनस्टॉक के बाद आता है सर्ज टैंक में, कहीं सर्ज टैंक लिखा है, लेकिन सर्ज टैंक के बाद कहाँ आता है, केसिंग का मतलब 5 नंबर जो है उसको लिखा जाएगा, अरेंज किया जाएगा। केसिंग के बाद कहाँ जाता है, स्टेवेन में, स्टेरिंग में, कहीं है लिखा स्टेवेन स्टेरिंग, 5ों में नहीं। उसके बाद कहाँ जाता है, स्टेवेन से बाद गाइड व्हील, गाइड व्हील मतलब मोबाइल विकेट गेट वाली व्हील का मतलब 3 नंबर। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, पानी गाइड व्हील के बाद कहाँ आता है, रनर में, रनर है लिख दो, और रनर के बाद कहाँ आता है, ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब लिख दो, फिर कहाँ जाएगा, टेल रेस। 4, 5, 3, 2, 1 कोई आंसर है, यस 4, 5, 3, 2, 1 पूछा क्या था, करेक्ट सीक्वेंस of these items in direction of flow, direction of flow देखो ना, पहले इसमें जाएगा 4 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 3 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर, आप देख ही पा रहे हो, आराम है ना। ये सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था
और आप एग्जाम में भी आ सकता है, आपको क्रम तो याद ही हो गया है तो आप उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नंबर 6 पे के सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हम लोग, मैं शीट को ले लेता हूँ, आराम रहेगा। इन अ रिएक्शन टर्बाइन, किस टर्बाइन की बात हो जरा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन टर्बाइन की। द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज, ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं? फॉर द सेफ्टी ऑफ टर्बाइन, क्या ड्राफ्ट ट्यूब को पढ़ाते समय मैंने कोई सेफ्टी वगैरह की बात की थी? नहीं। हाँ, ड्राफ्ट ट्यूब का एक काम स्प्लैशिंग को प्रिवेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब सेफ्टी से नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सेफ्टी वाली बात वही प्रिवेंटिंग वाली बात है, कि जो स्प्लैशिंग को प्रिवेंट करना सेफ्टी के पर वाली बात ही है, सेफ्टी की बात स्प्लैशिंग को प्रिवेंट करने वाली बात सेम ही है, तो आप ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन तब टिक कीजिए जब आगे और बेहतर ऑप्शंस ना मिलें। फिलहाल मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ सेफ्टी वाली बात गलत ही है, ठीक है। दूसरा पढ़ो, टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, इसमें को ध्यान देना, कन्वर्ट वर्ड देख के मत टिक कर देना, कन्वर्ट द व्हाट काइनेटिक एनर्जी इन ऑफ फ्लो बाई ग्रेजुअल एक्सपेंशन। याद करो ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे था, ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे होता था जो फ्लो आगे बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है कि नहीं, फ्लूइड का एरिया बढ़ रहा है, बाई अ ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो क्रॉस सेक्शन। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना ये नहीं बोला है, लेकिन हाँ कन्वर्ट करना बोला है, बाई, और कैसे कन्वर्ट करना है, बाई ग्रेजुअल एक्सपेंशन। समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, प्रेशर में। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बात पूरी नहीं बोला है, एकदम स्पष्ट बात नहीं बोला है, लेकिन जो भी बोला है वो बी ऑप्शन सही है। सी पढ़ो, टू डिस्ट्रॉय द अनडिजायरेबल एडीज, देखो अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब को बहुत डिटेल पढ़ें तो पानी जो रनर से बाहर निकलता है वो थोड़ा सा घूमते हुए निकलता है, अगर उस जो घूम रहा है उसको एडीज बोलें, एडीज माने भंवर धाराएं, सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन से ज़्यादा दमदार ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन स्पष्ट ऑप्शन है, मतलब दिए गए ऑप्शन में सबसे बेहतर है। बी को प्राथमिकता देंगे, ए सी को नहीं देंगे, और नन क्या, डी क्या है, फॉर नन ऑफ द अबव पर्पसेस, डी तो बेवकूफ़ी वाली बात ही है, आंसर क्या है समझ पा रहे हैं आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने की बात थी, किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन, यहाँ टर्बाइन्स के नाम है, इनमें से कौन सी वाटर टर्बाइन्स, वाटर टर्बाइन की बात क्या, डज नॉट रिक्वायर ड्राफ्ट ट्यूब, बताओ ड्राफ्ट ट्यूब किसका फीचर होता है, ड्राफ्ट ट्यूब हमेशा होती है रिएक्शन टर्बाइन में, ड्राफ्ट ट्यूब कभी भी इम्पल्स टर्बाइन में नहीं मिलेगी, रिएक्शन टर्बाइन का फीचर, ड्राफ्ट ट्यूब कभी भी रिएक्शन इम्पल्स टर्बाइन में नहीं मिलेगी। बताओ प्रॉपर टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन है, यस, कपलान है, यस, फ्रांसिस है, यस, पेल्टन क्या है, इम्पल्स, इसका मतलब इसी में नहीं मिलेगी, इसी में नहीं मिलेगी, अगर इसमें नहीं मिलेगी तो वही तो पूछा है कि इसमें नहीं मिलेगी, तब भी ऑप्शन आपका आपका ऑप्शन हो। यहाँ काटने का मतलब ये नहीं कि गलत ऑप्शन है, काटने का मतलब है इसमें नहीं मिलेगी, रिएक्शन टर्बाइन नहीं है ये, का मतलब इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, यूज व्हाट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इन अ रिएक्शन टाइप वाटर टर्बाइन, कौन सी टर्बाइन, रिएक्शन टाइप की, मतलब इंपल्स नहीं, रिएक्शन टाइप वाटर टर्बाइन। अच्छा मैं सवाल करा रहा हूँ थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कोई आप तो यहाँ मौजूद है नहीं कि आप कुछ पूछ सकें मुझसे, तो वन वे में ऐसा होता है कि आप जब पूछेंगे नहीं तो मैं आपको और बता भी नहीं सकता कुछ ज़्यादा, मुझे जो लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ अपने आप में पर्याप्त है, हो सकता है आपको लगे कि इतनी बात पर्याप्त नहीं है आपको और बताना चाहिए, लेकिन आप तो मेरे सामने मौजूद है नहीं इस समय, तो मैं जितना बता सकता हूँ बता रहा हूँ। आप क्या करिएगा, जब सवाल लगाइएगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, और फिर सवाल अपने हिसाब से आंसर टिक कीजिएगा, और फिर चला के एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या बता रहे हैं सर, ठीक है, ऐसे आराम रहे, वरना अगर आप लगातार चलाएंगे तो आप सवाल देखेंगे जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं आंसर दे चुका हूँगा, तो आपको लगे बहुत तेज चल रहे हैं, कि वीडियो है तो आप पॉज कर सकते हैं। ऑफलाइन जब क्लासेस होती हैं तो मैं पर्याप्त समय देता हूँ बच्चों को कि आप सॉल्व कीजिए बताइए, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके पास सुविधा है पॉज करने की, आपके पास सुविधा है तेज करने की, तो आप क्या करिए अपनी सुविधानुसार बच्चों को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बताओ रिएक्शन टाइप की टर्बाइन में, मतलब रिएक्शन टाइप की वाटर टर्बाइन, मतलब रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या होता है,
प्रिवेंट द एयर फ्रॉम एंट्रिंग, एयर को एंटर करने से, प्रवेश करने से रोकना, मैंने ऐसा कुछ बताया था? नहीं। इंक्रीज द फ्लो रेट, क्या डिस्चार्ज बढ़ाना बताया था मैंने? नहीं। कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना मैंने ऐसा कुछ बताया था? यस। उल्टा भी लिखा रहता कई बार, कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, प्रेशर को काइनेटिक में नहीं। ध्यान दीजिए, उल्टा लिखा रहता है कई बार, कन्वर्ट वर्ड, कन्वर्ट शब्द देखा टिक मार देते बच्चे, गलत। कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू, यहाँ टू की जगह पे इनटू होना चाहिए, इनटू होना चाहिए था, हाँ, इनटू व्हाट? प्रेशर एनर्जी। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, राइट। एलिमिनेट इट इज इन द डाउन स्ट्रीम, बातें फालतू हैं। आपको एक आंसर मिल गया, आप खुशी में खुशी मनाओ। सवाल नंबर 11 हो गया, सवाल नंबर 49 करते। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 स्टेटमेंट दिया है, देखा जाए 3 4 तीन स्टेटमेंट दिया है, तीन स्टेटमेंट दिया है, अब पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब के संदर्भ में, या ड्राफ्ट ट्यूब की यूज के संदर्भ में, और उसके इस्तेमाल के संदर्भ में नीचे कुछ बातें दी गई, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जरूर ध्यान दिया करो, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, अगर करेक्ट पूछा है तो देखो कौन कौन करेक्ट है। पहला, इट रिड्यूसेस द डिस्चार्ज वेलोसिटी, क्या जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करता है। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट, बताइए। यस, मैंने बताया था आपको कि अगर ये ड्राफ्ट ट्यूब है तो आपके केसिंग से जब फ्लूइड निकलता है रनर से, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अगर मैं ड्राफ्ट ट्यूब ना लगाऊं, ये पानी डायरेक्ट जगह जाएगा यहाँ पे रेल रेस में, जो भी काइनेटिक एनर्जी सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिए हो तो पानी ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर प्रवेश करेगा, और ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है, क्या होगा इसके अंदर जब फ्लो करेगा तो एरिया बढ़ने के कारण वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो यहाँ की तुलना में यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे और प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो फ्रूट छोड़ेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन जो बची खुची काइनेटिक एनर्जी वो फाइनली क्या होगी, लॉस हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम यहीं से छोड़ देते डायरेक्ट तो ज़्यादा लॉस होता, अब यहाँ छोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करने के बाद छोड़ेंगे, लॉस कम होगा, वही लिखा है। इट रिड्यूसेस द डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको घटाता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी को घटाता है। क्यों घटाता है? टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट, आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कम से कम हो, क्योंकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में पहले ही कन्वर्ट कर लिए हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और जब पानी छोड़ेंगे तो उसके पास जो बची खुची काइनेटिक एनर्जी होगी वही लॉस होगी केवल। लेकिन अगर हम कन्वर्ट ही ना किए होते, ड्राफ्ट ट्यूब लगाए ही ना होते, अब पानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का था, ज़्यादा लॉस होता हमारा। पहला स्टेटमेंट सही। अच्छा, इट परमिट्स, इट मतलब ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब परमिट, ड्राफ्ट ट्यूब ही आपको अलाउ करता है, आपको सुविधा प्रदान करता है, आप टर्बाइन को टेल रेस के ऊपर सेट कर पाएं, वो भी बिना किसी एनर्जी को गंवाए, बिना किसी हेड को गंवाए, बिना विदाउट एनी लॉस ऑफ अवेलेबल हेड। इट परमिट्स द टर्बाइन टू सेट अबव द टेल रेस विदाउट एनी एप्रिसिएबल ड्रॉप इन अवेलेबल हेड, क्या ये बात मैंने बताई थी? यस, जब मैंने एक ड्राफ्ट ट्यूब पढ़ाया था तो पहला पॉइंट यही था, सही बात ये भी। जरा पढ़ो, इट इज़ यूज्ड इन बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन, नहीं गलत बात, इंपल्स में इसका इस्तेमाल नहीं करते ड्राफ्ट ट्यूब का, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत। आंसर क्या है? वन एंड टू ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, असर्शन रीजन पढ़िए। आ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट द रनर एग्जिट, एक ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम प्रेशर को रिड्यूस कर पाएं, कहाँ पे? रनर के एग्जिट पर, इन ऑर्डर टू गेट द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ वर्किंग हेड, क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है। याद करो, मैंने बताया था केसिंग है, ये जो पानी आ रहा है यहाँ पे, इसके पास प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, और हम इस प्रेशर P1-P2 को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, मैकेनिकल वर्क भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा,
नहीं, मैकेनिकल वर्क ज़्यादा मिलने का मतलब यही वर्किंग हेड है, ज़्यादा वर्किंग हेड। वर्किंग हेड मतलब एनर्जी पर यूनिट वेट। जब भी मैं हेड बोलूँ उसका मतलब एनर्जी से लिया कीजिए, एनर्जी एनर्जी ही है बस इकाई भार की। एक बार बताओ अभी यहाँ पर अगर इसको मैं एटमोसफियर में छोड़ रहा हूँ उस पानी को, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रख सकते हो मिनिमम? लेकिन अगर ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर छोड़ रहे तो यहाँ प्रेशर एटमोसफियर से भी नीचे जा सकते हो, यहाँ का प्रेशर एटमोसफियर से भी कम रख सकते हो। और अगर इसका प्रेशर एटमोसफियर से भी कम रखोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब वर्किंग हेड बढ़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है असर्शन की, ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल रनर के एग्जिट पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा वर्किंग हेड मिले, इंक्रीज वर्किंग हेड मिले। सही बात है। और रीज़न, और ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर प्रेशर घट गया है तो इसको आप एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर छोड़ सकते हैं। और ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जब फूड यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर जब छोड़ना होगा, तब यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, यहाँ से यहाँ के दौरान हम यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ का प्रेशर बढ़ा लेंगे, तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा वर्क भी मिल जाएगा और जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बर्बाद जा रही थी उसको हम प्रेशर में कन्वर्ट करके फ्लूइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ भी पाएंगे, एटमॉस्फेयर का मतलब सराउंडिंग में। तो क्या लिखा, अ पोर्शन ऑफ द एग्जिट काइनेटिक एनर्जी, एग्जिट काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी, एग्जिट काइनेटिक एनर्जी इज रिकवर्ड विच अदरवाइज गोस वेस्ट टू द टेल। यहाँ रिकवर्ड का मतलब होता किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम छोड़ देते फ्लूइड को, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती, बर्बाद जाती। इन ड्राफ्ट ट्यूब ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को कम किया और उसको किस में कन्वर्ट किया। यहाँ रिकवर्ड शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ रिकवर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ होना चाहिए अ पोर्शन ऑफ एग्जिट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी विच अदरवाइज गोज वेस्ट टू द टेल रेस। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर होगा 51 का, करेक्ट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर हो गया ए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 51 के बाद हम लोग और क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की, चलो डिग्री ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने जब डिग्री ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था मैंने बताया था डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या था, डिग्री ऑफ रिएक्शन था ड्रॉप इन स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर हेड बटे टोटल ड्रॉप, टोटल हेड डेवलप, टोटल यहाँ एच टोटल लिख देता हूँ मैं, टोटल हेड जो डेवलप हुआ टर्बाइन के अंदर या उसमें। अब एक बार बताओ, ये बताओ डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन, एक शब्द मैं बताना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ रिएक्शन शब्द केवल टर्बाइन के लिए नहीं होता, पंप कंप्रेसर ब्लोअर वगैरह के लिए भी होता है, पंप के लिए भी होता है, कंप्रेसर के लिए भी होता है, ब्लोअर के लिए भी होता है, सबके लिए होता है, और मीनिंग भी वही होती है, बस परिभाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे टर्बाइन है तो यहाँ पे टर्बाइन में हेड डेवलप होता है कि मतलब एनर्जी डेवलप होती है, कंज्यूम होती है, डेवलप होती है। तो यहाँ लिखा जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन इज, अच्छा टर्बाइन में प्रेशर गिरता है कि बढ़ता है, गिरता है, बोलेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन, अगर ये टर्बाइन है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टू द हेड डेवलप्ड या एनर्जी डेवलप्ड हाँ ड्रॉप बोलेंगे फिर डेवलप बोलेंगे टर्बाइन तो। और पंप अगर हो तो पंप हो, कंप्रेसर हो, ब्लोअर हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पंप और कंप्रेसर इज द स्टैटिक प्रेशर गेन, क्योंकि पंप में प्रेशर घटता नहीं है, बढ़ता है, और पंप में हेड डेवलप होता है कि कंज्यूम होता है, आप समझो। क्या लिखा जाएगा, अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन टर्बाइन का है, लिखा जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप द टोटल हेड डेवलप्ड, और अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन पंप कंप्रेसर और ब्लोअर का है तो बोला जाएगा इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर गेन द टोटल हेड कंज्यूम्ड, है समझने बात को, अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लीजिएगा। और अगर हम टर्बाइन पंप कुछ ना बोलना चाहें, केवल हाइड्रोलिक मशीन बोलना चाहें, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ना ड्रॉप ना गेन, चेंज, क्या बोलेंगे, चेंज,
ना डेवलप्ड ना कंज्यूम्ड, ना डेवलप्ड ना कंज्यूम, ट्रांसफर्ड। देखो अगर मैं टर्बाइन पंप किसी का नाम नहीं लेना चाहता तो मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बो मशीन। पंप कंप्रेसर नहीं बोला, टर्बो मशीन सब आ गया। तो पंप भी आ गया, कंप्रेसर भी आ गया, ब्लोअर भी आ गया, फैन भी आ गया, सब आ गया, सारे टर्बो मशीन आ गई। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बो मशीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर चेंज या स्टैटिक प्रेशर हेड चेंज टू द टोटल एनर्जी और टोटल हेड ट्रांसफर्ड। शब्दों को समझिएगा, टर्बाइन है तो यहाँ ड्रॉप और यहाँ डेवलप्ड, पंप कंप्रेसर ब्लोअर शब्द इस्तेमाल किया तो फिर गेन एंड कंज्यूम, और अगर पंप कंप्रेसर ब्लोअर और टर्बाइन कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्बो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऊपर लिखा जाएगा चेंज और नीचे लिखा है ट्रांसफर। बात समझ पा रहे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ क्या बोला, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टर्बाइन क्या होगा, स्टैटिक रेशियो किसका है, रेशियो किसका है, स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टोटल एनर्जी डेवलप्ड होना चाहिए, यहां से ट्रांसफर लिखा है, ये गलत सही है। अगर यहां डेवलप होता तो अच्छी बात होती, लेकिन इसने ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसफर भी गलत नहीं है, लेकिन और ऑप्शन देखेंगे शायद और अच्छा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मिसिक टिक करेंगे। दूसरा पो बी, टोटल एनर्जी ट्रांसफर, पहले टोटल एनर्जी ट्रांसफर बोल दिया, ऊपर टोटल एनर्जी है क्या, नहीं ऊपर प्रेशर है, नीचे टोटल एनर्जी है, इसका मतलब बी गलत हो गया। सी पढ़ो, चेंज ऑफ वेलोसिटी एनर्जी, ऊपर वेलोसिटी है कि प्रेशर है, प्रेशर है, इसलिए ये भी गलत हो गया, मतलब ये लाइन ही गलत हो गई, पढ़ते ही आप समझ जाओ गलत लिखा है। वेलोसिटी एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, ये वेलोसिटी एनर्जी प्रेशर एनर्जी है, नहीं प्रेशर एनर्जी टोटल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी टू टोटल एनर्जी है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ए, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, आप समझ गए, ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर चार के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, 14 नंबर पे, चलो 14 नंबर पर समझते हैं हम लोग, बस को बात समझ लेते हो। एक ही होती है कैविटेशन, आपको मैंने कैविटेशन पढ़ा रखा है, कैविटेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये बताओ कैविटेशन, कैविटेशन कब होता है, कैविटेशन तब होता है जब कहीं पर लिक्विड का प्रेशर, इफ द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या हो जाए, कम हो जाए लिक्विड के ही वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, प्रेशर जो है लिक्विड का वो लिक्विड के ही वेपर प्रेशर से कम हो जाए, कौन सा वेपर प्रेशर, वर्किंग टेम्परेचर, जो लिक्विड का वर्किंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड है उस टेम्परेचर के संगत कोई वेपर प्रेशर होगा, अगर उस वेपर प्रेशर से कम है ये प्रेशर तो क्या होगा, वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, कैविटेशन। वेंचुरी मीटर पढ़ाते समय मैंने कैविटेशन को बहुत अच्छे समझाया था, तो आपको वहां से याद करना होगा, समझना होगा, रिकॉल करना होगा, और अगर आप भूल गए हो तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा, आप भूल जाओ तो उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब बात यह होती है, ठीक सर, इसका मतलब कैविटेशन कहाँ होगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो, जो प्रेशर घटे और घटते घटते वेपर प्रेशर से भी कम आ जाए। देखो मान लो ये वेपर प्रेशर का स्तर है और ये किसी मशीन में एग्जिस्टिंग प्रेशर का स्तर है, अगर ये प्रेशर घट रहा हो घटते घटते इतना आ गया, वेपर प्रेशर ये है, एग्जिस्टिंग प्रेशर ये है या वर्किंग प्रेशर ये है, कैविटेशन होगा कि नहीं होगा, तो कैविटेशन तब होगा जब ये प्रेशर घटते 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 वेपर प्रेशर के बराबर या इससे नीचे हो जाए, का मतलब कैविटेशन तब होगा जब प्रेशर हाई होगा कि लो, लो, तो इसका मतलब कैविटेशन किस क्षेत्र में होगा, मशीन के किस हिस्से में होगा, उस हिस्से में होगा जहां वेलोसिटी प्रेशर हाई है कि जहां लो, जहां प्रेशर है लो। तो अगर आप किसी मशीन के लो प्रेशर रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हो कि उसी हिस्से में कैविटेशन होने के चांसेस, कैविटेशन हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है पर चांसेस ज्यादा होंगे। अब आप बताओ टर्बाइन की बात करते हैं हम लोग, अगर टर्बाइन है, अगर टर्बाइन है और टर्बाइन अगर है तो ये बताओ, ये टर्बाइन है, पानी आ रहा है,
मैंने बताया यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये रनर है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहे हो तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी कम होगा। इसका मतलब न्यूनतम प्रेशर कहाँ होगा, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा पी मिनिमम। और ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है या रनर का एग्जिट है। तो इसको ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट ही बोल सकते हो और रनर का एग्जिट ही बोल सकते हो। और आपको मालूम है ना कि यहाँ के प्रेशर की तुलना में यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर घटेगा। अच्छा, ये रिएक्शन टर्बाइन है इसीलिए प्रेशर कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए प्रेशर घट रहा है। अगर ये टर्बाइन इम्पल्स होती तो प्रेशर चेंज ही ना होता, और प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, प्रेशर घटेगा ही नहीं, तो कैविटेशन नहीं होगा। इसलिए कैविटेशन हमेशा किस टर्बाइन में मिलेगा, रिएक्शन टर्बाइन में। इम्पल्स टर्बाइन में कैविटेशन की कोई समस्या नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इम्पल्स टर्बाइन में कैविटेशन समस्या नहीं होगी। ये कैविटेशन अगर किसी टर्बाइन में है या होगा तो वो हमेशा कौन टर्बाइन में होगा, रिएक्शन टर्बाइन में। और रिएक्शन टर्बाइन भी कहाँ होगा, जहाँ प्रेशर कम है। कहाँ प्रेशर कम है, ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर या रनर के एग्जिट। अब बात करते हैं पंप की, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही पूछा जाता है एग्जाम में पंप। अब बताओ पंप का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पंप का काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। इसका मतलब पानी जो आ रहा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम, तभी तो उसे बढ़ाएगा। अगर प्रेशर को बढ़ा रहा है इसका मतलब पानी जो पंप में प्रवेश कर रहा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जो निकल रहा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अब अगर मैं पंप बनाऊँ, मान लो मैंने पंप बनाया, ये केसिंग है, मैं पंप पढ़ाऊँगा, हाँ, ये इम्पेलर है, ये क्या है, इम्पेलर, ये जो है इम्पेलर है, इम्पेलर मतलब पंप का रोटरी पार्ट। और इस इम्पेलर के इस हिस्से को बोलते हैं आई, सेंटर वाले हिस्से को बोलते हैं आई, और पंप के अंदर पानी यहीं से प्रवेश करता है, ऐसे पानी प्रवेश करे, ये पाइप है जो जाकर जुड़ा होगा कि सम्प से, सम्प का मतलब वो तालाब या वो जगह जहाँ से पानी उठाना है, सम्प। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई, आई, या कई बार बोलते हैं सक्शन आई, क्या बोलते हैं, सक्शन आई, आई या सक्शन आई। और ये यहीं पे, अब बताओ, और यही क्या है, ये पॉइंट है इनलेट, एंट्री, पंप का एंट्री, और ये पॉइंट है पंप का एग्जिट। बताओ अगर मैं यहाँ के प्रेशर की बात करूँ, यहाँ के प्रेशर की बात करूँ, इसको बोल दूँ P2, इसको बोल दूँ P1, तो न्यूनतम कौन होगा, पूरे पंप में सबसे न्यूनतम प्रेशर यहीं पे होगा, इनलेट पर ही होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम प्रेशर। तो ये बताओ टर्बाइन में रनर के एग्जिट पर है प्रेशर न्यूनतम, और पंप में इम्पेलर के इनलेट पर है मैक्सिमम मिनिमम। तो आप बोलोगे रनर के बस में बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, रनर का एग्जिट है, टर्बाइन में कैविटेशन रनर के एग्जिट पे, और पंप में कैविटेशन इम्पेलर के इनलेट पर, ठीक है, समझ में बात, याद रखिएगा। अब ये बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को दिया हुआ है, क्या लिया है, कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन का मतलब पंप और टर्बाइन दोनों की बात कर रहा है, अकर्स एट, कहाँ पे होता है, एग्जिट ऑफ पंप। बताओ अभी मैंने पढ़ा है पंप के एग्जिट की पंप के इनलेट, बताओ पंप का एग्जिट होता है पंप के इनलेट पर, एंट्री ऑफ पंप, यस बिल्कुल, एग्जिट ऑफ टर्बाइन, यहाँ टर्बाइन का मतलब टर्बाइन का रनर है, जब भी टर्बाइन के आगे कुछ ना लिखा तो रनर मान लीजिएगा, ठीक है, क्या ये सही है, यस, इसका मतलब 2 और 3, आंसर 2 और 3 इज द राइट ऑप्शन, समझ नहीं बात, ओके आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर 14 की, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो 15, इन द फिनोमेना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड, मतलब फ्लूइड की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो रोल प्ले करेगी, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी कैविटेशन। अभी मैंने आपको बताया कैविटेशन तब होता है जब लिक्विड का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए,
का मतलब, और ये वेपर प्रेशर क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ महत्वपूर्ण है कैविशन घटना के दौरान, वेपर प्रेशर एग्जाम में पूछे, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन नहीं, विस्कोसिटी नहीं, बल्क मॉडुलस नहीं, वेपर प्रेशर, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 15 हो गया। सवाल नंबर 16, कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टरबाइन, टरबाइन कौन सी टरबाइन होगी, ये इंपल्स की रिएक्शन, रिएक्शन, क्योंकि कैविटेशन की बात कर रहा तो रिएक्शन भी होगा, इंपल्स टर्बाइन नहीं, इंपल्स टर्बाइन्स में कैविटेशन की समस्या नहीं होती, इंपल्स टर्बाइन्स आर फ्री फ्रॉम कैविटेशन, किसमें होगा, रिएक्शन में, रिएक्शन में भी किसमें होगा, जिसका स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगी, उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर प्रेशर कंज्यूम करोगे, प्रेशर को ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो प्रेशर घटता जाएगा, ठीक है। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टर्बाइन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, कहाँ होने की संभावना ज्यादा होती है, एट द टर्बाइन, बताओ, टर्बाइन एंट्री, टर्बाइन एग्जिट। अब यहां ध्यान देना, अगर यहां वर्ड टर्बाइन प्रयोग कर लिया, मोस्ट लाइकली टू अकर एट टर्बाइन, तो टर्बाइन तो सही, एक वर्ड तो आ रहा है वो टर्बाइन का एग्जिट, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप एक जानते हो टर्बाइन में ये रनर होता है और ये पॉइंट क्या कहलाता है, रनर का एग्जिट। अगर मैं इसको रनर ना बोल के रोटर बोल दूं तो गलत हो जाएगा क्या, रोटर भी सही होगा, तो अगर मैं इसको रोटर बोल दूं, रनर या रोटर, रोटर एक कॉमन शब्द है, रनर एक स्पेसिफिक शब्द है, रनर हमेशा टरबाइन के संदर्भ में प्रयोग होगा, इंपेलर हमेशा पंप और कंप्रेसर संदर्भ में प्रयोग होगा, लेकिन रोटर हर एक केस में प्रयोग होगा जहां भी रोटरी पार्ट हो, तो ये रोटर है, यस। तो क्या इसको रोटर का एग्जिट बोल सकते हैं, यस। तो इसका मतलब इसका आंसर डी भी सही हो सकता है। तो अब यहाँ पे दुविधा है, आंसर बी लें कि डी लें, तो कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टर्बाइन इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट द टर्बाइन, यहाँ टर्बाइन लिख दिया, अगर टर्बाइन ना लिखा होता, एट द लिखा होता, हम यहाँ पक्का रोटर एग्जिट लेते हैं, लेकिन जो भाषा प्रयोग की गई है, टर्बाइन लिख के छोड़ दिया गया, उससे लग रहा है कि आंसर ये होगा, टर्बाइन एग्जिट, टर्बाइन एग्जिट, लेकिन रोटर एग्जिट भी कोई गलत नहीं है। तो मैं इस सवाल में दुविधा में हूं कि आंसर बी सही हो कि डी सही होगा, ज्यादा मात्र मैंने बी को दिया है, पर कोई और अध्यापक या कोई और व्यक्ति इसका आंसर डी भी दे सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि किस समय उसको क्या महसूस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं आंसर डी ज्यादा सही लग रहा है, दोनों हो सकता है। ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, या तो सवाल को छोड़ देंगे या रिस्क लेंगे कि हाँ भाई आंसर बी या डी में ही होगा। तो अगर चार पांच सवाल हैं जिनमें रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मान लो चार सवाल हैं, आपने रिस्क लिया तो चार में, ऐसा नहीं कि चारों गलत हो जाएंगे, ऐसे चार सवाल हैं मान लीजिए तो चारों गलत हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, चार में अगर दो तीन भी सही हो गए तो आप कटने, जो गलत होगा उसका नेगेटिव मार्किंग होगी, नंबर कम कटेंगे, लेकिन जो सही होगा उसका पॉजिटिव मार्किंग होगी, नंबर जो आपके नेट मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, आपको फायदा मिलता है। तो रिस्क लिया जा सकता है ऐसे सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क तब लीजिए जब आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव मिल रहा हो आपको, या आप फेल होने की कंडीशन में, आपको लग रहा है कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन किए ही नहीं, हमें ये क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो हमारा वैसे भी हम पास नहीं हो रहे हैं, हाँ अगर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा तो शायद हम कट ऑफ पार कर लें, लेकिन आपको लग रहा है कि हम वैसे बेकार हैं, कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं, तो आप रिस्क ले लीजिए, लेकिन अगर आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं तब फिर आप रिस्क मत लीजिए, फिर दिक्कत है ना, क्योंकि कट ऑफ से आप काफ़ी ऊपर हैं, मतलब आप सेफ हैं, और आपने अगर एक आध सवाल गड़बड़ कर दिए, चार पाँच सवाल आपने चारों सवाल करें और चारों मालूम पड़ा किस्मत खराब थी, गड़बड़ हो गया, ठीक है, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए वो गड़बड़ हो गया, तो आप निगेटिव, आप काफ़ी नीचे आ जाओगे ना। जब आप सेफ हो तो आप रिस्क ना लें, जब सेफ ना हो तो रिस्क ले सकते हैं, और अपने अपनी विचारधारा है, लोग तो रिस्क लेते ही हैं, वो एग्ज़ाम में दिमाग इतना काम नहीं करता, वो अपने आप हो जाता है जो काम तो वहाँ पर, हाँ घर में बात करना अलग चीज़ होता है। सवाल नंबर 17 अब का बात करेंगे, 16, 16 कर लिया ना हम लोगों ने, 16 कर लिया। अब सवाल नंबर 52, इन क्रूड मशीनरी, क्रूड मशीन्स में द रिलेशनशिप बिटवीन सैचुरेशन टेम्परेचर एंड साइट्स द प्रोसेस ऑफ, देखो एक बात बताएं, सैचुरेशन टम आप सॉरी एक बात, जो वेपर प्रेशर होता है इसी को सैचुरेशन प्रेशर ही बोलते हैं, और एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक निश्चित सैचुरेशन प्रेशर होता है और उस निश्चित टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं, और आप थर्मल में पढ़ेंगे भी
एक निश्चित सैचुरेशन टेम्परेचर पे, एक निश्चित सैचुरेशन टेम्परेचर पे, एक निश्चित सैचुरेशन टेम्परेचर पे एक निश्चित सैचुरेशन प्रेशर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जब भी सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर की बात करेगा, कौन सी घटना होगी, कैविटेशन। सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर वेपर प्रेशर ये सब दिख जाए मत जाओ किसकी बात हो रही है, कैविटेशन। सवाल नंबर 52 हो गया। अब सवाल नंबर 91, देखिए इन कपलान टरबाइन, नंबर ऑफ ब्लेड याद है कपलान टरबाइन में, इन कपलान टरबाइन रनर, इन कपलान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड इज जनरली ऑफ द ऑर्डर, जो जनरली देखो कसम नहीं जनरली लिखा है, मतलब आपको एक सामान्य गेस करना है, सामान्य जानकारी, ठीक है। जनरली कितना होता है, 2 से 4 होगा, 2 नहीं हो सकता, 2 में बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, तो 2 नहीं। 8 से 16 नहीं, 16 तो बिल्कुल नहीं होगा, 16 से 24 कतई नहीं। कौन आंसर है, 4 से 8। अब मैंने आपको पढ़ाया है 3 से 6, मैंने आपको पढ़ाया है 3 से 6, 3 से आपको पढ़ाया है 8, कुछ भी हो सकता है, 4 से 8। अब देख लो अगर आप कोई भी वैल्यू याद है तो आप समझ जाओ कौन सा आंसर टिक होना है, आंसर है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया, 4 से 8 हो सकता है, 3 से 8 हो सकता है, 3 से 6 हो सकता है, कुछ भी सकता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। अब सवाल नंबर 91 के बाद सवाल नंबर 69, सवाल नंबर 69 है। अब सवाल नंबर 69 पढ़िए आप लोग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन मेंटेन हाई एफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ पार्ट, मतलब इनमें से कौन सी टरबाइन पार्ट लोड एफिशिएंसी अच्छी है। अब जरा ऑप्शन देखिए, 1 और 4 मतलब 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3 3 सेलेक्ट करना है, 2 और 3 2 सेलेक्ट करना है, इसमें कोई भी जगह पे एक ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको या तो 3 लेना है या 2 लेना है। अब देखो सबसे अच्छी पार्ट लोड एफिशिएंसी किसकी होती है, कपलान की। अगर यहाँ एक को ऑप्शन लिखा होता, एक भी ऑप्शन लिखा होता ओनली 2 मैं उसे टिक कर लेता, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ, तो आप क्या करोगे, और 2 केवल नहीं है, 2 के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो आपको एक और सेलेक्ट करना होगा। बताओ कपलान्स के बाद किसका नंबर आता है, पेल्टन का। 2 के बाद 3 लोग, तो 2 और 3 यहाँ लिखा है, अब कौन सा 2 और 3, तो यहाँ भी लिखा है 2 और 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, अब एक 1 भी ले लो। जब 2 मिल गया तो अब हम ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मजबूरी पर जा रहे थे। अगर यहाँ एक ऑप्शन लिखा होता डी, सर डी करें, एक ऑप्शन लिखा होता ई और उसमें लिखा होता ओनली 2, हम इसी को टिक करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम बी पे गए हैं। अब बी पे जब 2 ऑप्शन मिल गया तो उसका तीसरे सोचो कि और कुछ जोड़ लो, बी को टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपने देखा कि पार्ट लोड एफिशिएंसी सवाल एग्जाम में आया, हमने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी और क्वेश्चंस की, चलिए हम लोग और क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर सेंट्रीफ्यूगल पंप का सवाल है ये, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप तो आपने पढ़ाया नहीं, तो रुकिए मैंने आपको मॉडल रिलेशनशिप या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के 5 फार्मूले आपको याद कराए हैं, याद है आपको 5 फार्मूले, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन दोबारा। देखिए क्या फार्मूला था, पहला था हेड डिस्चार्ज कॉफिशियंट या फ्लो कॉफिशियंट क्यू बटे एनडी क्यूब का मान क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा था हेड कॉफिशियंट एच बटे एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट। फिर था पावर कॉफिशियंट पी बटे एन क्यूब टी पावर 5, ये क्या था, कांस्टेंट। फिर था क्यू बटे टी स्क्वायर अंडर रूट एच बराबर कांस्टेंट, और एक और था पी बटे पावर टी स्क्वायर एच की पावर टी बाई 2। ये 5 फार्मूले याद रखना है। ये 5 फार्मूले किसके लिए हैं, टर्बाइंस के लिए हैं, पंप के लिए हैं, कंप्रेसर के लिए हैं, ब्लोवर के लिए हैं, किसके लिए, सब के लिए हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो मशीन
वो टर्बो मशीन जिसकी बात हो रही है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो, कोई भी दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन हो उनके लिए ये फार्मूले लागू होंगे, ठीक है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग, अब इस सवाल को सॉल्व करना मिटा देते हैं पहले। क्या लिखा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है और उसकी स्पीड को डबल करना है, डबल हो गई है, डबल करना नहीं डबल हो गई है, तो डबल करने के बाद कह रहा है पावर रिक्वायर्ड पर, जो पावर रिक्वायर्ड होगी ड्राइव करने के लिए, किसको ड्राइव करने के लिए, पंप को, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक पंप है वो किसी स्पीड पे चल रहा है, कुछ पावर खा रहा है, अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं तो जो पावर वो खा रहा है उस पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी घट जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो कितने गुना बढ़ जाएगी, घट जाएगी तो कितने गुना घट जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीपी, सीपी का मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक, शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक ही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, दो नहीं है, और यहाँ पे उसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की दो वर्किंग कंडीशंस हैं। पहले केस में ये मान लीजिए आरपीएम N1 है और बाद में इसका आरपीएम मतलब स्पीड N2 हो गई। पहले केस में इसका ये जो पावर खा रहा था मान लीजिए P1 है, बाद में जो पावर खा रहा वो है P2। अब आपसे पूछ क्या करवाया, देखो कह रहा पहले अगर स्पीड N थी और बाद में डबल हो गई मतलब 2N हो गई, बाद में स्पीड क्या हो गई 2N, ये बताइए, और पावर अगर पहले P खा रहा था तो बाद में कितनी पावर खाएगा, स्पीड को डबल कर दिया तो पावर कितना बदल जाएगी ये पता करना है आपको, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक ही सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो पंप के इंपेलर का डाया, इंपेलर क्या होता है, जिस प्रकार टर्बाइन के रोटरी पार्ट को रनर बोलते हैं उसी प्रकार पंप कंप्रेसर ब्लोअर के रोटरी पार्ट को इंपेलर बोलते हैं। कौन से पंप की बात हो रही है, टर्बो पंप की बात हो रही है, हाँ ओके। अब देखो ये सर, अगर हम कहें ये जो पंप है इसका पहले डाया क्या था, डी है, इंपेलर डाया, इंपेलर डाया, तो बाद का डाया बदल जाए कि वही रहेगा, अगर कुछ नहीं बोला है एक ही पंप है इसका मतलब डाया थोड़ी बदलेगा, पंप तो सेम है क्या सर, हमेशा डाया सेम रहेगा, अगर कुछ नहीं बोला तो डाया सेम ही लेना है, ठीक है। अगर बोल दे एग्जामिनर कि डाया बदल दिया गया है तब तो फिर बदले हुए डायो को लेना है, लेकिन नॉर्मली कुछ नहीं बोला है एक ही पंप है इसका मतलब डायमीटर सेम है। अब बात उठती है, ठीक सर, अब आप ये बताओ कोई ऐसा फार्मूला है जो N, P और D को लेकर चलता है, आप कहोगे सर एक फार्मूला है, हमने कहा कौन सा, आपने कहा सर पावर कॉफिशियंट, हमने पढ़ रखा है पावर कॉफिशियंट होता है पी बट्टे एन क्यूब डी पावर 5 बराबर कांस्टेंट। अब जरा देखिए, आपने पढ़ रखा है तो आपके जहन में सवाल उठेगा सर ये फार्मूला तो लगता है कोई दो मशीन के बीच जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो, या एक मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच, क्योंकि वो भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं, पर यहाँ तो सर एक ही मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो एक ही है, यहाँ दो सेंट्रीफ्यूगल पंप थोड़ी ना है, एक ही है। हमने कहा देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो पहली कंडीशन है सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, अब एक ही पंप की दो सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन में क्या होगा, पंप तो सेम ही होगा। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं दो पंप ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, तो मतलब दो पंप हैं पर ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, वो सेम नहीं है सिमिलर हैं, लेकिन अगर मैं कहूं दो पंप सेम हैं मतलब एक ही पंप है, दो पंप सेम मतलब एक ही पंप है तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर तो है ही ना, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं वो सर्वांग सम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो समरूप तो होंगे ही होंगे। इसी प्रकार अगर दो मशीन्स ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं तो वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं एक ही मशीन है, तो अगर एक मशीन है तो वो खुद के ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो कि नहीं होगी, आप कहोगे सर कैसी बात करो, ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं सेम होंगी, और अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर तो हो ही गई, क्या मैं खुद के ज्योमेट्रिकली सिमिलर हूँ, बिल्कुल हूँ, एक मशीन खुद के ज्योमेट्रिकली सिमिलर तो होगी ही होगी, इनफैक्ट सेम है तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये है
सेंट्रीफ्यूगल पंप की सिचुएशन नंबर वन, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की सिचुएशन नंबर टू, दोनों सिचुएशन में मशीन क्या है सेम, तो क्या मैं यहाँ पे इस कंडीशन के लिए और इस कंडीशन के लिए ये चीज़ निकाल के बराबर कर सकता हूँ? आपको बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब समझो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो मैंने पांच फार्मूले पढ़ाए हैं उन पांचों फार्मूले का प्रयोग कहाँ कहाँ करूँगा। कर तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन सुनो, कर कहाँ सकते हैं, पर सुन लो, अगर कभी भी ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी वाली, तो इसका मतलब कि आप वो पांचों फार्मूले लगा सकते हो। और कहाँ कहाँ फुलफिल होगी, दो मशीन है, एग्जामिनर बोल दे ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, कैसे बोलेगा मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, दो मशीन ज्योमेट्रिकली सिमिलर, आप पांचों फार्मूले लगा दीजिए जो जरूरत हो उसके हिसाब से, पांचों मतलब जो भी जरूरत हो आपको, दो की आवश्यकता हो तो दो लगाइए, किसी तीन की आवश्यकता तीन लगाइए, एक की आवश्यकता एक लगाइए, पांचों की आवश्यकता पांचों लगाइए, ठीक है। और सर मान लीजिए एक मॉडल है और एक उसका प्रोटोटाइप है, बेटा मॉडल और प्रोटोटाइप इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये दोनों भी एक दूसरे ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं, इसका मतलब मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच भी पांचों फार्मूले लग सकते हैं। और अगर एक ही मशीन है, कितनी मशीन है, एक ही मशीन है, और एक मशीन की कंडीशन दिया है पहले फिर बाद में दिया है, बदली हुई कंडीशंस, पहले की जो कंडीशन है और बाद की जो कंडीशन उसके ऊपर भी ये फार्मूला लग जाएगा। जरा लगाते हैं, देखिए क्या होता है, कैसे करेंगे, पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो हम कैसे लिखेंगे, P2, वो जरूरी कि आप P1 शुरुआत करो, आप पहले दूसरी मशीन लें, P2 N2 क्यूब T2 पावर 5 फार्मूला लगा ना, N2 के P कंडीशन नंबर 2 के लिए, 1 के लिए लिखो P1 अपॉन N1 क्यूब T1 पावर 5। अब क्या यहाँ से कटेगा बताओ, यहाँ से कौन सी चीज़ कट जाएगी, आप कहोगे सर डायमीटर कटेगा, मैं कहूँ क्यों डायमीटर कटेगा, क्योंकि सर सेम मशीन है, सेम मशीन है, डायमीटर सेम होगा, और इसमें डायमीटर बदलने वाली बात बोली भी नहीं है, तो इसलिए हम काट देंगे, मैं कहा ठीक काट दो। अब आपको क्या निकालना है, P2 तो निकालना है ना, फिर देखो मैंने P2 वाला पार्ट इधर पहले से रखा हुआ है, P2 बराबर क्या होगा, यहाँ P1 है, ये N2 क्यूब इधर आएगा, N2 क्यूब बटे N1 क्यूब, क्या मैं इसको N2 बटे N1 क्यूब बोल दूँ, बिल्कुल बोल सकते। अब आप बताओ P2 बराबर क्या होगा, P1 ये बताओ, N2 कितना है, 2N, N1 कितना है, N, जब यहाँ लिखोगे 2N और फिर लिखोगे N और फिर ऐसा क्यूब करोगे तो ये N से N कट जाएगा और 2 का क्यूब क्या होगा 8, यहाँ क्या 8 P1 नहीं आएगा, आएगा, इसका मतलब P2 बराबर व्हाट, 8 P1, मतलब सेकंड नंबर कंडीशन में, सिचुएशन नंबर 2 में, नंबर 2 मतलब स्पीड को डबल करने पर जो पावर कंज्यूम होगी वो कितने गुना हो जाएगी, पहले वाले के 8 गुना, का मतलब क्या पावर कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, और कितने गुना बढ़ेगा 8 गुना, इंक्रीज हो जाएगा 8 times, समझ नहीं बात। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिखिए, फार्मूला वगैरह सॉल्व कीजिए, ऐसे करिए। और एक समझदारी वाला काम, एक चीज समझदारी वाला काम सर कैसे, मैं बताता हूँ आपको, क्या मैं इसको पूरा मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया हो, मिटा दिया मैंने, एक समझदारी वाला काम, देखो समझदारी वाला काम क्या है, जरा देखो, आपने मान लीजिए मैं एक फार्मूला साथ कर रहा हूँ, मान लो फ्लो कॉफिशेंट है, फ्लो कॉफिशेंट का फार्मूला होता है क्यू बटे NdQ बराबर कॉन्स्टेंट। अब एक काम करो, इस NdQ को आप यहाँ ले जाओ, आप करो क्यू बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब जो चीज़ नीचे है उठा के इधर मल्टीप्लाई करो NdQ। अब एक बार बताओ, अगर समानुपात का चिन्ह होता था तो हम कॉन्स्टेंट लाते हैं, जब भी समानुपात का चिन्ह हटाते हैं कॉन्स्टेंट लाते हैं, और अगर मैं समानुपात यहाँ से कॉन्स्टेंट हटाऊँ क्या समानुपात का चिन्ह नहीं आ जाएगा, जाएगा, और आप कहो नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा था काम करो, इससे फिर उल्टा जाओ, यही आएगा ना, इससे इधर आओ चाहे इससे इधर आओ, आप इससे इधर आओ चाहे इससे इधर आओ, आ सकते हो नहीं आ सकते हो, बिल्कुल, इसका मतलब ये डिस्चार्ज जो नीचे दिया है उसी के प्रोपोर्शनल होगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू NdQ, ऐसा लिख सकते हो सर, अच्छा ठीक है मैं ऐसा लिख लूंगा, तो एक रिजल्ट तो ये हो गया क्यू प्रोपोर्शनल टू NdQ, ठीक है। और इससे दो चीज़ निकलती है, देखो
अगर आरपीएम बदल रहा है और डायमीटर दोनों बदल रहे हैं, दोनों साथ साथ बदल रहे हैं, मान लो ऐसी कंडीशन है दोनों साथ साथ बदल रहे हैं, तो डिस्चार्ज कैसे बदलेगा? एन की पावर वन और डी की पावर थ्री, ऐसे बदलेगा। लेकिन आप कहो नहीं सर, मान लो आरपीएम कांस्टेंट है और केवल डायमीटर बदल रहा है, तब जो डिस्चार्ज होगा प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब होगा। आपने कहा नहीं सर, मैं ये मानता हूं कि डायमीटर कांस्टेंट है, डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, तब डिस्चार्ज जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एन होगा, ठीक है। और अगर आप कहो सर दोनों चेंज नहीं हो रहा है, ना डायमीटर कांस्टेंट है ना आरपीएम कांस्टेंट है, तो फिर ये होगा। अगर आरपीएम और डायमीटर दोनों चेंज हो रहे हैं तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एन डी क्यूब, आरपीएम कांस्टेंट है और केवल डायमीटर चेंज हो रहा है तो क्यू प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, डायमीटर कांस्टेंट है और आरपीएम चेंज हो रहा है तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एन। तो इस प्रकार आपने देखा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप समझ जाओगे। और कैसे, अगर आपको ये कैसे करो, देखो अगर आरपीएम कांस्टेंट तो आरपीएम को छुपा लो, आरपीएम को सॉरी अगर आरपीएम कांस्टेंट तो आरपीएम को छुपा लो, और आरपीएम छुप गया तो बचा क्या, केवल डी क्यूब। और अगर डायमीटर कांस्टेंट तो डायमीटर को छुपा लो, बचा कौन, आरपीएम, का मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर दोनों वैरी हो रहे हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं, डी क्यूब, ठीक है। तो आपको तो मैंने केवल कई फार्मूला पढ़ाया, मैंने आपको पांच फार्मूले, लेकिन उसमें तीन महत्वपूर्ण थे, बाकी दो तो उसी से आए थे। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो क्या, q प्रपोर्शनल टू एन डी क्यूब, h प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, एन या एन है एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर, एंड p प्रपोर्शनल टू एन क्यूब डी पावर, याद कर लीजिए। अब एक बात बताओ, यहां पे और मैंने क्या बताया, जब सेम मशीन होगी तो डायमीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और डायमीटर अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्यू प्रोपोर्शनल टू व्हाट, केवल एन, डायमीटर हटा दिया जाएगा, डायमीटर को भूल जाएंगे फिर। और अगर क्यू डायमीटर कांस्टेंट है, मतलब सेम मशीन, तो एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर पावर प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, देखो सेम डाया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ही है, बदल नहीं रहा है, डायमीटर सेम है। तो आप लिखोगे पी, देखो डायमीटर अगर वैरी करेगा तो एन क्यूब डी पावर फाइव, और आप खुद देख रहे हो सेम सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मतलब ये चीज़ तो वैरी करेगी नहीं, और अगर ये चीज़ वैरी नहीं करेगी तो बचा क्या, पी प्रोपोर्शनल टू। अब आप समझो, आप डायरेक्ट, आप अगर आपको याद है पावर कॉफिशियंट पी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डी पावर फाइव होता है, तो उससे याद हो जाएगा पी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब है। अब बताओ अगर आरपीएम को तुम दो गुना करोगे, यहां दो लिखते ही दो क्यूब मतलब आठ गुना, अगर इसको तीन लिखोगे तो तीन क्यूब 27 गुना, ठीक है। तो मतलब जितने गुना स्पीड को बढ़ाओगे पावर कंजम्पशन उसके क्यूब टाइम्स बढ़ेगा, क्यूब टाइम्स। अच्छा इसका आधा कर दोगे, आरपीएम मान लो आधा कर दोगे तो पावर कंजम्पशन घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 8 गुना, ठीक है। पावर कंजम्पशन जो है आरपीएम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली और क्यूब के, इसके आरपीएम के। तो इस बात समझ में आ रही है, जब आपने स्पीड को डबल किया होगा तो पावर कंजम्पशन कितने गुना हो जाएगा, देखो पावर कंजम्पशन स्पीड को डबल जब टू टाइम्स हो जाएगा तो टू क्यूब क्या होगा, आठ। या फिर ऐसे कर सकते हो, समझ गए बात को ना, तो क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यूब मतलब आठ गुना हो जाएगा, मतलब क्यूब ना लिखा जाए, ये इस तरह लिखना अच्छा नहीं है, इस तरह लिखना अच्छा नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आप समझ गए आठ गुना, चलो अब आठ गुना हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो आपने ये भी समझ लिया, और इससे भी दो निष्कर्ष निकलता है, मालूम ही है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग किया, क्वेश्चन नंबर 59 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा है उसी को यूटिलाइज करते हैं, देखिए क्या होता है। अब सवाल में क्या कह रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, पंप बोले सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर बोले, फैन बोले, सब ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, सीबी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, डिलीवरिंग क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज, पहले कितना डिस्चार्ज दे रहा है, जो उसने बोला है क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड,
क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड, कितना क्यूब। फिर क्या कह रहा है, अगेंस्ट हेड ऑफ वो एच मीटर, एच मीटर है, क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड एंड एच मीटर। और हेड क्या है पहले शुरुआत में इसका, कितने हेड पर मतलब कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है ये, ये एच मीटर कर रहा है, एच मीटर। और कितने स्पीड पर चल रहा होगा पहले, पहले मान लो किसी एन स्पीड चल रहा होगा, एन आरपीएम। दूसरी कंडीशन कह रहा, जब इसी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर को ड्राइव करें हम कितने स्पीड पर, हाफ द ओरिजिनल स्पीड। मतलब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड पोजीशन कंडीशन है उसमें जो स्पीड है वो एन वन पहले है, एन टू बाद में, एन टू क्या है एन बाई टू, क्या है एन बाई टू। और अगर ऐसा है, कह रहा है बदला हुआ हेड मतलब स्पीड को आधा करने पर हेड कितना होगा, और स्पीड को आधा करने पर जो बदला हुआ डिस्चार्ज होगा वो कितना। अब आप कैसे करोगे, दो तरीके हैं, एक तरीका तो पूरा फार्मूला लगाओ और एक तरीका ये है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर तो क्या है यही है, डायमीटर जो यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो डायमीटर होगा, डायमीटर सेम होंगे अलग अलग, कुछ नहीं बोला सेम ही होगा, ठीक है। एक बार एग्जाम में सवाल आया जिसमें डबल आधा किया मतलब बदल दिया था, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, अब आपके पास दो तरीके हैं, जब डायमीटर सेम हो तो आप जानते हो क्या कर सकते हो। देखो हेड पूछा है, सर डिस्चार्ज पूछा है, क्यूब प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन डी क्यूब होता है, पता ही नहीं पता एन डी क्यूब होता है, लेकिन डायमीटर तो कांस्टेंट है, डायमीटर को हटा दो, डायमीटर तो कांस्टेंट है तो डायमीटर को हटा दो, हटा दिया जाए डायमीटर को, हट गया डायमीटर, हो गया। तो बचा क्या, केवल क्यू प्रोपोर्शनल टू, अगर क्यू प्रोपोर्शनल टू एन है, बताओ स्पीड को आधा करोगे डायमीटर डिस्चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सेम, जो काम इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, अगर ये आधा तो ये आधा, ये दुगुना तो ये दुगुना, ये आठ गुना तो ये आठ गुना, जितना भी कुछ करोगे, ये वन बाई थ्री तो ये वन बाई थ्री, वन थर्ड हो जाएगा। जो स्पीड को हमने यहाँ आधा किया है ना, स्पीड जितना यहाँ पे थी उसका आधा किया है मैंने यहाँ, बताओ डिस्चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, क्यू टू क्या होगा, क्यू टू जो होगा क्यू बाई टू होगा, क्योंकि पहले कितना था क्यू, अब क्या हो जाएगा क्यू बाई टू। ऐसे कर सकते हो। दूसरा हेड एच प्रपोर्शनल टू होता है एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर, डायमीटर सेम है क्योंकि एक ही सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, आप क्या करो डायमीटर को, सॉरी आप क्या करो डायमीटर को हटा दो, डायमीटर को हटा देंगे, हट गया डायमीटर। अब बताओ यहाँ क्या होगा, एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अभी बताओ अगर आरपीएम को तुम डबल करोगे, हेड कितने गुना हो जाएगा, चार गुना, स्क्वायर है, और अगर आरपीएम को आधा करोगे हेड कितना हो जाएगा, वन बाई फोर। यहाँ से मालूम पड़ा जो H2 होगा शुरुआत के H का एक चौथाई होगा, ये आंसर हो गया, Q2 आधा हो जाएगा और हेड एक चौथाई हो जाएगा। बताओ कौन सा आंसर सही है, देखो ये बॉम्बे हेड H बाई फोर चार्ज Q बाई टू। तो आपने देखा इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपने एक बार रट लिया तो खट खट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर आपने कहा नहीं सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करने में, मैं किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, तो ठीक है आपको उस तरीके से करा देता हूँ, ठीक है आपको इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या हो रहा है, उस तरीके से करते हैं। आपने कहा अब आप देखो, अब आपको डिस्चार्ज पता करना, हेड पता करना, तो एक काम करो डायमीटर और आरपीएम को लेते हुए साथ में, इसमें से एक को एक क्वांटिटी लो, आपने हेड ले लिया तो हेड डायमीटर और इस डायमीटर हेड की जो डायमीटर को ले कोई फार्मूला है, यस एक है एच बटे एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये हो गया एच टू सॉरी एच वन वन डी वन स्क्वायर बराबर एच टू एन टू स्क्वायर डी टू स्क्वायर डी टू डी वन स्क्वायर कट जाएगा। बताओ एच टू का मान कैसे निकालोगे, एच वन है ही है, आप पाओगे एच टू बराबर हो जाएगा एच वन, साथ में हो जाएगा आपका एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से एच टू निकालते हैं, एच टू बराबर क्या होगा एच वन, और एन टू क्या है, एन टू है एन बाई टू, एन टू है एन बाई वन कितना है इसका स्क्वायर। अब आप बताओ एन एन कट जाएगा, ये वन बाई टू का स्क्वायर क्या होगा वन बाई फोर, तो एच वन बाई फोर, और एच वन कितना है एच एच बाई फोर, आपका आंसर एच बाई फोर है। इसी प्रकार आप एक काम करिए,
एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए और डिस्चार्ज को लीजिए, फार्मूला कौन सा लगा, ये वाला क्यू टू बट्टे इन टू टू क्यूब बराबर वन बट्टे वन टी वन क्यूब, टी वन क्यूब टी टू क्यूब कट जाएगा, आप यहाँ से पाएंगे टू बराबर होगा क्यू वन टू बाई एन टू बाई एन वन का मान निकालेंगे वन बाई टू आए वैल्यू हो जाएगी वन बाई, ठीक है खत्म मामला, तो आपने ऐसे भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 वास्तव में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 59 आपने लगाया है उसी का न्यूमेरिकल है। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या था कि अगर स्पीड डबल कर दी जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप की तो पावर कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपने पढ़ा था 8 गुना होगा, ठीक है। क्यों था ऐसा, क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल टू था एन क्यूब, ठीक है आपको पता ही है। अब वही देखो क्या लिखा है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है कितना पावर खा रहा है 1000 वॉट व्हेन ऑपरेटिंग एट 1500 आरपीएम। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप 1000 वॉट खा रहा है जब ऑपरेट कर रहा है 1500 आरपीएम, वैल्यू दे रखा है। व्हाट इज द पावर रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर स्पीड को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए 3000, इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए 3000। अगर स्पीड को इंक्रीज करके 3000 किया, देखो कितना हुआ 1500 पहले था अब 3000 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ, डबल हो गया ना। और स्पीड अगर आप देख रहे हो 1500 से 3000 का मतलब डबल हो गया, स्पीड डबल जब होगी तो पावर रिक्वायरमेंट 8 गुना हो जाएगी, पहले 1000 थी, 1000 का 8 गुना कितना होगा 8000। और अगर अच्छा ना लगे तो फार्मूला लगा लीजिए, तो भी कर लीजिए, करना आता है आपको। कैसे करेंगे देखो, टू अपॉन एन टू क्यूब टू पावर फाइव, फाइव भैया हाँ बराबर वन अपॉन एन वन क्यूब डी वन पावर फाइव, ये डी वन डी टू कट जाएगा क्योंकि सेम पंप सेंट्रिफ्यूगल पंप है। अब पी टू निकालना है, इवन क्या है 1000 वॉट, 1000 वॉट, और ये एन टू क्यूब इधर जाएगा एन टू बाई एन वन, एन टू कितना है 3000, एन वन कितना है 1000, और इसका आपको सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 1500 है, ये कितना है ये 1500 है, ये 1500 है। अब बताओ इसका क्यूब, ये बताओ 1500 को 3000 से 3000 को 1500 से काटो कितना आएगा 2, 2 क्यूब 8, ये हो गया आपका 1000, 1000 वॉट, और ये 8, ये हो गया 8000 वॉट। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है समझदार हैं तो वैसे कर लेंगे, वरना ऐसे भी करेंगे, ठीक है समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है, ये सबसे पहले ध्यान दिया कीजिए, करेक्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और गिवन, गिवन मतलब डायमीटर नहीं चेंज होगा, एक ही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एक ही सेंट्रीफ्यूगल पंप, जब भी गिवन बोल दे मतलब एक ही है मशीन, मशीन नहीं बदल रही है, गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या होगा। अब आप बताओ, आप जानते हो कि क्यू प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन डी क्यूब डी घटा दो क्योंकि गिवन गिवन है डायमीटर चेंज नहीं होगा, एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डी स्क्वायर, एन हटा डी स्क्वायर हटा दिया, एंड पी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डी पावर फाइव, डी पावर फाइव हटा दिया। अब आओ यहां आओ, देखो पहला ऑप्शन द डिस्चार्ज वेरीज डायरेक्टली नॉट इनवर्सली डायरेक्टली एज द स्पीड, स्क्वायर नहीं स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड, क्यूब ऑफ स्पीड बोलता था, यहां स्पीड बोला है, क्या ये बात सही है। ये देखो डिस्चार्ज वेरीज एज डायरेक्टली एज स्क्वायर डायरेक्टली एज स्पीड, डिस्चार्ज वेरीज डायरेक्टली एज स्पीड, ये बात बिल्कुल। सेकेंड पढ़ो, द हेड वेरीज इनवर्सली एज स्पीड, गलत, हेड पहली बात तो स्क्वेयर एन स्पीड के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, वो भी डायरेक्टली है इनवर्सली नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ स्पीड वर्ड भी गलत हो गया, स्क्वेयर ऑफ स्पीड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन द पावर वेरीज एज स्क्वेयर, पावर बताइए वेरी करता है स्क्वेयर की क्यूब, क्यूब मतलब ये गलत हो गया। डी ऑप्शन डिस्चार्ज वेरीज, चार्ज वेरीज एज स्क्वेयर, बताओ अभी हमने पढ़ा डिस्चार्ज यहाँ स्क्वेयर है कि केवल पावर वन है इनकी, एन की पावर वन है मतलब यहाँ स्क्वेयर गलत हो गया। अब देखो अगर ये ऑप्शन लिख लिए आपने, आंसर फार्मूला लिख लिया तो कितना आसान है आपके लिए, वरना आप एक स्टेटमेंट पढ़ोगे फिर सोचोगे फिर पढ़ोगे फिर सोचोगे और फिर मालूम पड़ा गलत कर दोगे।
कितना आसान था आपके लिए सवाल। सवाल नंबर 62 का आंसर ए, 62 के बाद सवाल नंबर 63 क्या बोला, पावर एब्जॉर्ब बाई अ हाइड्रोलिक पंप, एक हाइड्रोलिक पंप है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ एब्जॉर्ब करने मतलब कंज्यूम करना, पावर खाना, पंप तो पावर खाता है, टर्बाइन पावर देता है, पंप पावर खाता है। पावर एब्जॉर्ब बाई अ हाइड्रोलिक पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बताओ पावर का फार्मूला याद होगा आपको, पावर प्रोपोर्शनल टू क्या था, एन क्यूब डी पावर 5, ठीक है। यहां पूछ रहा है केवल आरपीएम को, सारे ऑप्शन आरपीएम में ही, डायमीटर के बाद नहीं पूछा है, बताओ पावर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन क्यूब होगा ना, एन क्यूब, ठीक है एन क्यूब होगा, देखो यहां पे आंसर है एन, सवाल कई बार पूछा गया है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 के बाद, सवाल नंबर 63 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है 92 सॉरी, ये सीट आपको मिल जाएगी, आप परेशान ना होइए, ये देखिए यहां क्या बोल रहा है, इसको समझिए, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखो लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं पढ़ा चुका हूं, लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है मॉडल रिलेशनशिप वाली लॉज, वही पांचों फार्मूले जिसकी बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर होमोलॉगस टर्बाइंस, होमोलॉगस टर्बाइन नहीं है टर्बाइंस, होमोलॉगस का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए, अगर कभी हाइड्रोलिक्स में वर्ड होमोलॉगस मिले, होमोलॉगस, होमोलॉगस का मतलब होता है ज्योमेट्रिकली सिमिलर, क्या मतलब इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइंस, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइंस, और आपको मैंने बताया है कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन्स के लिए लागू ही होगा, ठीक है ओके। पावर इज प्रोपोर्शनल, अब बात समझिए पावर के बारे में पूछा है, पावर को लेकर हमारे पास कितने फार्मूले हैं, दो हमने जो पढ़ रखे हैं, एक ये है पी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डी पावर 5, ये कहां से आता है पावर कॉफिशेंट से, पावर कॉफिशेंट मतलब ये वाला पी बट्टे एन क्यूब डी पावर 5 बराबर कौन से आता है, मैंने बताया था ना जो चीज यहां पे नीचे रहेगी वो यहां चाहे पहुंच जाएगी। एक और फार्मूला था पावर वाला मैंने जो पढ़ाया है, पी बट्टे डी स्क्वेयर एच की पावर टी बाई 2 बराबर कौन, अगर इससे आप बात करें, अगर इससे आप बात करें पावर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी स्क्वेयर एच की पावर, अब देखो आंसर ये इसमें से देंगे इसमें से देंगे, डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या है, तो पावर पूछा है और ऑप्शन में डी एच डी एच डी एच डी एच सारे ऑप्शंस डी और एच के पदों में है, ये वाले से आंसर नहीं दिया जाएगा, आंसर इससे दिया जाएगा, ये वाला होगा आंसर, बताओ कौन सा आंसर ये है, डी स्क्वेयर एच की पावर 3 बाई, आसान था ना ये। अब सवाल नंबर 93 से पहले 94 करेंगे, 93 इसके बाद कर लेंगे, फिर भाई अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब मॉडल रिलेशनशिप मॉडल फार्मूलेज और होमोलॉगस टर्बाइंस डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल चार्ज, अब डिस्चार्ज को लेके हमारे पास क्या फार्मूले हैं, दो फार्मूला, एक तो ये है क्यू बटे एन डी क्यू, वो फार्मूला रटा होगा तभी काम बढ़ेगा बनेगा, और एक फार्मूला हमारे पास और है क्या, q बटे डी स्क्वेयर अंडर रूट ए बराबर कौन, अब हमसे डिस्चार्ज तो पूछा है पर देखो आंसर किसके पदों में है, डी एच डी एच डी एच डी एच का मतलब क्या ये वाला हमारा इस्तेमाल होगा, नहीं ये इस्तेमाल नहीं होगा, हमारा ये इस्तेमाल होना क्योंकि ये q d और h के पदों में है, और इससे देखो q प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी स्क्वेयर रूट, आप देखो इसमें आंसर कोई है, डी स्क्वायर अंडर रूट, अब सवाल नंबर 94 कर सॉरी 93, सवाल नंबर 93 देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फिर वही बात किया लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और होमोलॉगस टर्बाइंस, तीनों सवाल आर के जैन की किताब के हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे सस्ती जेई वगैरह में,
स्पीड इज प्रोपोर्शनल। अब देखो यहाँ सवाल क्या पूछा है कि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, आरपीएम किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, और आंसर किसके पदों में है, एच डी। एच डी मतलब आपको ऐसा एक फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें एन दिया हो, जो एन जिसमें एन हो, एच हो और डी हो, ऐसा कोई फार्मूला आपके पास जिसमें आरपीएम हेड और डायमीटर हो। यस, हेड कॉफिशियंट, हेड कॉफिशियंट याद है आपको, यस, एच बटे एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर बराबर कॉन्स्टेंट, इसी का प्रयोग करके काम बनेगा। अब एक बार बताओ, आपको हेड पूछा है कि आरपीएम पूछा है, आरपीएम पूछा है, और यहाँ देखो इसमें आरपीएम कहाँ है, ये है, एक काम करो, और आरपीएम में स्क्वेयर भी है। एक बार बताओ, अगर मैं इस फार्मूले को पलट दूँ तो पलट सकता हूँ, बिल्कुल पलट सकते हैं, आप लिखेंगे एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर बटे एच बराबर कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट पलट के वन अपॉन कॉन्स्टेंट होगा, वन अपॉन कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट का रेसिप्रोकल कोई दूसरा कॉन्स्टेंट होगा, वैल्यू बदल जाएगी कॉन्स्टेंट की, पर वो रहेगा क्या, कॉन्स्टेंट, ठीक है। सी उसको हमने ये सी, ये सी अलग है, हाँ बस इसका उल्टा करोगे फिर एक कॉन्स्टेंट आएगा। सी एक सिम्बॉलिक फॉर्म है, ये कॉन्स्टेंट मतलब वैल्यू जो होगी अलग होगी पर वो होगी क्या, कॉन्स्टेंट। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, अंडर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर जहाँ पे एन हो जाएगा, डी स्क्वायर पे डी हो जाएगा, और एच यहाँ पे अंडर रूट एच हो जाएगा, और इधर भी अंडर रूट लेंगे तो कांस्टेंट का अंडर रूट फिर एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब अलग अलग हैं पर है तो क्या, कांस्टेंट। अब ये बताओ, आरपीएम को इधर रखो, बाकी सब उधर फेंक दो, एन प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह लगाओ, ये डी नीचे आएगा और अंडर रूट एच ऊपर जाएगा, तो ये अंडर रूट एच बटे, ये है आपका आंसर। देखा आपने, आपसे जो पूछे पहले तो जो पूछा गया है किसके पदों में पूछा गया, ये पूछा गया इसके पदों में पूछा गया, ये देखिए, और जो दिया गया जो वैल्यूज हैं जो पैरामीटर्स हैं उनको मिला के फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो सकता है वो देखिए, और फिर उस फार्मूले को ऐसे अरेंज कीजिए जो पूछा गया वो एक तरफ हो जाए बाकी सब एक तरफ हो जाए, समझने बात को, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये बात हो गई, आंसर इसमें कौन सा है बताओ, ये वाला। तो अभी हमने हाइड्रोलिक मशीन से कुछ सवाल किए हैं, अब हम लोग इसके आगे थ्योरी पढ़ेंगे, और जब थ्योरी पढ़ लेंगे हम लोग फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस को फिर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आगे